हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। और इसी प्यारे से पॉजिटिव से नोट पे आज की वीडियो शुरू करने जा रहे हैं, आज की रीडिंग शुरू करने जा रहे हैं। रीडिंग का टॉपिक है लियो सोल ड्राइव, यानी कि लियो सोल ड्राइव का अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो कि आखिरी 3 महीने हैं, सिर्फ आखिरी 3 महीने ही बचे हैं 2024 के ख़त्म होने में। सो इन आखिरी 3 महीनों में क्या होने वाला है और ये 3 महीने क्यों इम्पोर्टेंट है, इनकी अलग से रीडिंग करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये साल बहुत लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा है, ठीक है। काफ़ी लोगों के ऊपर शनि की ढैया चल रही है, काफ़ी लोगों के ऊपर ऑलरेडी शनि की 7.5 चल रही है और ये पूरा साल शनि देव जी का था तो मुश्किल रहा है। बहुत बहुत आप लोगों ने खासकर लियो सोल ड्राइव ने पूरे साल अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत बहुत जोर लगाए हैं, मतलब कि हर चीज़ को स्टेक पे रखा है अपने आप को कामयाब करने के लिए। और ऐसा भी लग सकता है सभी सोल ड्राइव को और खासकर लियो सोल ड्राइव को कि जितना मैंने किया है उतना मुझे रिटर्न नहीं मिला है, ये भी लग सकता है क्योंकि शनिदेव रिजल्ट स्लो देते हैं और आपको हर तरह से रोकते हैं, हर तरह की बाधा उत्पन्न करते हैं आपके और आपके लक्ष्य के बीच में, आपके और आपकी सफलता के बीच में। और अभी शनिदेव वक्री भी हैं, ठीक है, तो मतलब एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा इस तरह की हालत हुई हुई है। बट ये वक्री शनि एक तरह से आप लोगों के लिए वरदान है क्योंकि ये वो दे के जाएंगे आपको जो आपने पूरा साल किया है, ठीक है। तो पूरा साल जो आपने पढ़ाई की है उसका अब टेस्ट होने जा रहा है इन 3 महीनों में और देखते हैं कौन टॉप करेगा, कौन फेल होगा, किसको क्या मिलने वाला है। सो इसीलिए ज़रूरी थी ये रीडिंग करना, बड़ी ही प्यारी सी पॉजिटिव सी, ठीक है। इसमें हम अपनी इंटेंशन डाल के इस रीडिंग को कर रहे हैं और इसमें डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला, गाइडेंसेस भी देखेंगे, डूज एंड डोंट्स भी देखेंगे। और ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, यानी कि सभी के लिए है। अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग चाहते हैं, क्योंकि आप कमेंट में और मुझे खासकर जो मैंने नंबर दिया हुआ है उस पर आप इस तरह के सवाल पूछते हैं जिनका जवाब जनरल रीडिंग से मैं कैसे दे सकती हूँ, ठीक है, या मैं ऐसे ही रैंडम कैसे आंसर दे सकती हूँ, उसके लिए आपका चार्ट बनाना पड़ता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ को स्टडी करना पड़ता है या आपकी रीडिंग्स करनी पड़ती हैं, तो वो सब पर्सनल है, पर्सनल पेड रीडिंग के अंदर आता है वो सारा पार्ट। तो अगर आपको किसी भी तरह की पर्सनल पेड रीडिंग रिगार्डिंग न्यूमरोलॉजी और रिगार्डिंग एस्ट्रोलॉजी, टैरो, ठीक है, या फिर काउंसलिंग के सेशंस आप चाहते हैं मुझसे, या किसी भी तरह की क्लैरिटी चाहते हैं आप, कंपैटिबिलिटी जानना चाहते हैं अपने और अपने पार्टनर की, आप अपने बच्चों के लिए करियर का ऑप्शन जानना चाहते हैं कि क्या अच्छा करियर ऑप्शन है उनके लिए, ठीक है, तो इस तरह की ढेर सारी मोडेलिटीज़ हैं जिनमें मैं डील करती हूँ। या आप अपने लिए क्रिस्टल ढूंढ रहे हैं कि आपको कौन सा क्रिस्टल पहनना चाहिए, ठीक है, जिससे आपको हेल्प मिलेगी, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में एक नंबर रहता है और एक कॉमेंट में नंबर रहता है, वो कॉमेंट भी मैं ही पिन करती हूँ सो दैट आपको आराम से मिल जाए। तो उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके, कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं रिगार्डिंग पेड पर्सनल रीडिंग्स। बाकी ये सब जनरल है, कलेक्टिव है, सबके लिए है, कोई मेंबरशिप नहीं है, ठीक है, जो है सबको बराबर ही मिल रहा है। यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स है और यहाँ पे है दी वी, वाव बढ़िया, और यहाँ पे है एस ऑफ कप्स, बहुत अच्छी बात है, और पेज ऑफ पेंटिकल्स है, गुड, और यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स, वाव मजा ही आ गया, जिसे बोलते हैं ना कि आपकी रीडिंग कर रही हूँ बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने पूरा साल सारे सोल ट्राइब्स की, सारे जोडियक साइंस की रीडिंग की है तो मुझे पता है कौन कितने पानी में है। टावर का कार्ड है, कोई बात नहीं, मून का कार्ड है, हाई प्रिस्टिस का कार्ड है, ओके, तो मैं कार्ड्स को ना ऐसे प्लेस करूँगी सो दैट आपको थोड़ी सी क्लैरिटी रहे, खुद भी आपको समझ में आए कि कहानी क्या कहने की कोशिश कर रही है। तो आप लोगों को मैंने देखा है हर महीने आप लोगों की रीडिंग आई है कि आपने करियर पे फोकस किया है, जैसे कि ना किसी को प्रूव करना होता है बहुत बार हमारे को ना, लियो सोल ड्राइव ना पूरे साल 2024 में जो मैंने कलेक्टिव एनर्जी, अगर आपकी जितने मंथ्स की मैंने रीडिंग की है, मुझे लग रहा है कुछ प्रूविंग चल रही है, प्रूव जैसे हम खुद को करते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रूव करते हैं, शायद किसी ने आपको लेट डाउन किया हुआ है, जो कलेक्टिव एनर्जी मुझे फील हो रही है कि ईगो हर्ट कर देता है ना कोई इंसान, कभी कोई छोटी बात कह के ही आपका ईगो हर्ट कर देता है, या
मैं तो इस वर्ड को यूज करती हूँ, ठीक है, कि औकात दिखा देना, सामने वाले को उसकी औकात दिखा देते हैं। बहुत बार हम एक ऐसा मजाक कर देते हैं, भद्दा मजाक, जिसको हम करने के बाद बोलते हैं कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था यार, तेरे को मजाक को लेना भी नहीं आता। बट वो मजाक नहीं होता, वो मजाक होता ही नहीं है। जिस मजाक पे आपको गुस्सा होता है ना, गुस्सा आता है, कभी भी अपने को सेल्फ डाउट नहीं करना कि मुझे बुरा क्यों लगा, क्योंकि ये लोग क्या होते हैं, पहले मजाक करते हैं, आपको हर्ट करते हैं, जब आप रिएक्ट करते हैं तो फिर आपको ब्लेम करते हैं, गैसलाइट करते हैं कि यार तेरे को इतना भी नहीं है, तुझे मजाक भी समझ नहीं आता, तेरे साथ हम मजाक भी नहीं कर सकते। ऑलवेज रिमेंबर, अगर किसी का मजाक आपको हर्ट कर रहा है तो इसका मतलब वो इंसान आपको हर्ट ही करना चाहता है, ठीक है। कभी डाउट ही नहीं करना अपनी फीलिंग्स को। अगर आपको हर्ट फील हो रहा है तो सामने वाले का इंटेंशन आपको हर्ट करना ही है, ठीक है। कभी डाउट नहीं करना अपने ऊपर कि नहीं नहीं मेरे में ही कोई कमी है, या मैं परसेप्शन मेरी वीक है, या मुझे सहन करने की मेरे अंदर शक्ति कम है। नहीं, ये नहीं सोचना। अगर आपको बुरा लगा है तो उसका इंटेंशन है बुरा लगाना, बात खत्म। आपको उससे बाउंड्रीज बनानी है, आपको उससे दूर होना है। तो किसी ने आपके ईगो को हर्ट किया है बैडली, वोंडेड ईगो लेके चल रहा है सोल ट्राइब, पूरा लियो सोल ट्राइब पूरे साल से, कुछ प्रूविंग की एनर्जी है, कुछ प्रूव कर देना चाहते हैं, दिखा देना चाहते हैं, ठीक है। किसी ने आपको आपकी औकात दिखाई होगी कुछ कह के कि तुम ये कर नहीं सकते, या तुम्हारे पास ये है नहीं, ठीक है, या तुम्हारा तो ऐसे है, या ये मैं ही कर सकता हूँ, तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये बेइज्जती। क्योंकि देखो हर कोई ना हर चीज़ को अलग लेता है, लियो सोल ट्राइब इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से लेगा। हो सकता है कोई चुपचाप सहन कर जाए, कोना हो जाए, नहीं, लियो सोल ट्राइब प्रूविंग में आएगा। उनको तुम ऐसे कह दोगे कि तू ये करके दिखा तो वो करके दिखाएंगे भाई, तुम कहोगे कि ये पहाड़ उठा के दिखाओ तो पहाड़ उठा देंगे, पहाड़ का सीना चीर देंगे, उसमें से नदियां बहा देंगे, वो कुछ भी कर देंगे। दुनिया में जो ये इम्पॉसिबल चीजें की है ना, ठीक है, किसी इंस्टिगेशन में आके किसी ने बेइज्जती कर दी, किसी ने बोल दिया, किसी ने क्या बोलते हैं उसको चैलेंज कर दिया, उन चीजों में आके जो फिर बड़ी बड़ी चीजें दुनिया में हुई है ना, आई थिंक वो लियो सोल ट्राइब ने ही की है। तो इस तरह का मैं देख रही हूँ, इन कार्ड्स को भी मैं नहीं देख रही हूँ, मैं पुरानी एनर्जीज को भी अगर पिक करूँ तो पूरा का पूरा, जैसे कहते हैं ना जुनून, जुनूनी वे में चल रहा है पैशन, कि ये तो करके ही दिखाना है भाई, ये मुझे कह कैसे दिया, इसे सामने वाले को अब बताना है। तो ये एनर्जीज हैं आप लोगों की। उस सब में कुछ चीजें ऐसी भी हुई हैं कि जिसने आपके साथ ये किया होगा, जिसने आपको बेइज्जत फील कराया होगा, डेफिनेटली लड़ाई झगड़ा हुआ होगा उसके साथ। क्योंकि लियो सोल ट्राइब वो थोड़ी ना है कि चुपचाप से कोना पकड़ लें, नहीं, वो जवाब देंगे, वो झगड़ा करेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा ईगो क्लैश हुआ है, और हो सकता है वो रिश्ते भी आपके खत्म हो गए हों, और रिश्ते खत्म होने के बाद भी आपको है कि मुझको उसको प्रूव करना है। हो सकता है वो छोड़ के चली गई हो, हो सकता है वो छोड़ के चला गया हो, ठीक है, या आपने उसको भगा दिया हो अपनी लाइफ में से, आपने उसे ब्लॉक किया हो, ये भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन उसके बावजूद भी एक प्रूविंग है कि जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, कि प्रूव करना है। हो सकता है उसकी कहीं और शादी हो गई हो, और ये भी एक बहुत बड़ा मुझे यहाँ पे ना रिसीविंग हो रही है कि आप जिससे प्यार करते थे ना उसकी शादी कहीं और हो गई है, और कहीं ना कहीं वो आपके स्टेटस को लेके आपको बहुत पिंच हुआ है, चाहे सामने वाले ने कुछ कहा या नहीं कहा, उसके अननोन एक्शन ने या उसके चुपचाप वाले एक्शन ने कि आपको छोड़ के किसी और को ऑप्ट कर लिया, तो आपके मन में यही गया है कि शायद मेरा स्टैंडर्ड कम है, शायद मेरे फाइनेंसेस वीक है, शायद मैं उतना एबल नहीं हूँ, शायद मेरे पास उतना पैसा नहीं है, शायद मैं उतना कैपेबल नहीं हूँ, उतना सक्सेसफुल नहीं हूँ, तो मुझे तो उससे ज़्यादा होना है। इस तरह का प्रूविंग एनर्जी आ रहा है। ये प्रूविंग एनर्जी यहाँ से भी आ रहा है कि बहुत बार पेरेंट्स भी ऐसे करते हैं कि एक बच्चे की तारीफ करते हैं और दूसरे को नीचा दिखा देते हैं दूसरों के सामने, या बात बात में तो कहीं ना कहीं प्रूविंग आती है कि ठीक है ये सक्सेसफुल है तो मैं सुपर सक्सेसफुल होके दिखाऊंगा, ये भी चलता है। सिबलिंग राइवलरी पेरेंट्स ही करवाते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, और ध्यान रखना, और मेरी कही हुई चीज़ों को ना ऐसे सुन के मान मत लेना, उसको देखना अपने परिवार में, अपने आसपास के परिवार में, समाज में कि हो क्या रहा है। सिबलिंग्स राइवलरी, हम बोलते हैं कि जब भाइयों की शादी होती हैं औरतें आती हैं वो उनकी दुश्मनियाँ कराती हैं, नहीं, सिबलिंग राइवलरी तो बहुत बचपन में पेरेंट्स ही शुरू करा देते हैं, ठीक है, एक की तारीफें करके और दूसरे को डिमोरलाइज करके। तो ये हुए हैं ख़त्म आपकी लाइफ में से, और आपकी लाइफ में इस तरह के लोग तो थे, और अच्छा किया आपने इनको निकाला, ये डिसेप्टिव लोग थे, इनका दिखाने का चेहरा, बोलते ना कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और ये डिसेप्शन धोखे का जाल फैलाते थे, ये बहुत मैन्युपुलेटिव थे। और आप कहेंगे कि लियो सोल ट्राइब को मैन्युपुलेट करना, यस, वेरी इजी, वेरी इजी,
आप देखना जब शेर होता है ना, जब शिकार करता है तब वो अलग तरह का होता है, जब वो अपने कब्ज के साथ इंजॉय करता है तो वो एक बिल्कुल छोटा सा बच्चा बन जाता है, बिल्कुल वल्नरेबल। तो जब प्यार करते हैं, दिल खोल के प्यार करते हैं, तो वल्नरेबल हैं इन चीज़ों के लिए, मैन्यूपुलेट किया जा सकता है इनकी ईगो को। लियो सोल ट्राइब आपकी ईगो को सहला के, बोलते हैं ना कि ईगो को सहलाया और अपना फायदा निकाल लिया, तो इस तरह के लोग आपके आसपास थे और हो सकता है अभी भी हो, क्योंकि जब तक आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तब तक आप कुछ लोगों को अपनी लाइफ में से निकालेंगे तो दूसरे आ जाएंगे। तो इस तरह का आपका एनवायरनमेंट है कि आपकी दरिया दिली का फायदा उठाने वाले लोग हैं। मैं बोलूंगी दरिया दिल सोल ट्राइब है लियो, तो दरिया दिली का फायदा उठाने वाले लोग हैं, आपकी जेनरसनेस का फायदा उठाने वाले लोग हैं, ठीक है। तो एक लार्जर देन लाइफ वाला जो आप अपना परसेप्शन रखते हैं और बना के रखते हैं उस तरह का, और निभाते भी हैं उसको, तो उसका फायदा उठाने वाले लोग डेफिनेटली आपके एनवायरमेंट में हैं। और ये जो सब कुछ हुआ है ना आपका, कुछ इस तरह का रहा है आपकी पुरानी रीडिंग्स को भी मैं देखूँ, और आप पुराने मंथ्स की रीडिंग ना सिर्फ चेक करने के लिए देखना, 5-5, 10-10 मिनट के लिए देखना कि जो मैं कह रही हूँ वो सच है। तो फोर ऑफ कप्स है यहाँ पे, मैंने ना प्लेलिस्ट बनाई हुई है, प्लेलिस्ट में आपको हर मंथ की हर तरह की वीडियो मिल जाएगी। तो फोर ऑफ कप्स अगेन यही बताता है कि ठीक है काम करना है, सक्सेसफुल होना है, सब कुछ करना है, लेकिन इमोशंस पे कहीं ना कहीं आप लोगों ने ताला लगा दिया है, दिल का दरवाजा आपने बंद किया हुआ है। और वो मुझे दिख रहा है, वो मुझे बहुत महीनों से दिख रहा है कि एक इंसान ना अपने इमोशंस को डंप करने के लिए कहीं ना कहीं वर्कोहोलिक हो जाता है। तो बहुत वर्कोहोलिक हो गए हैं, बस काम 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 काम, एक रोबोट बन गए हैं। रोबोट होता है ना, रोबोट की काम 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 काम, बस दिल का दरवाजा आप लोगों ने बंद किया। आपके ना कुछ भी ज्यादा कप्स के कार्ड नहीं आते हैं आपकी रीडिंग्स में, पहले भी जो मैं करती हूँ, ठीक है, और भी उस तरह के कार्ड्स नहीं आते हैं। प्यार में जो न्यू बिगनिंग होती है उस तरह के कार्ड्स नहीं होते, पहली बार ही आया है इतने महीनों के बाद। तो यहाँ पे यही है कि दिल का दरवाजा बंद किया हुआ है, और दिल का दरवाजा खोलना गाइस बहुत जरूरी है यहाँ पे। तो मैं बोलूंगी कि ये खुलना चाहिए अब, और मुझे लग रहा है ये खुलेगा। देखो ये कप्स हैं, ये जो कप होता है ना, एस ऑफ कप, कहीं ना कहीं आपका हार्ट है, इसके अंदर भी हार्ट दिखाया हुआ है, और ना भी दिखाया हो तो भी एस ऑफ कप्स तो ना एक हार्ट है। तो आपकी लाइफ में ना गाइस कोई आने वाला है, अपने दिल का कटोरा लेके ना कोई आने वाला है, ठीक है। या आप किसी को डेट करने वाले हैं, या हो सकता है ये अपना दिल लेके आप ही किसी के पास जाएं, तो प्रपोजल, डायरेक्ट प्रपोजल या तो आपको आएगा, या आप अब मन बना चुके हैं, मन ही मन किसी को पसंद करते हैं, तो डायरेक्ट प्रपोजल आपकी तरफ से जाएगा। और अभी आप कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है, अभी आपको वो डर नहीं है, अभी आपको पूरा कॉन्फिडेंस है, अपनी पूरे ऑथेंटिक सेल्फ में आप लोग आए हुए हैं कि जो आपको करना था पूरे साल मेहनत करके, जहां आपको पहुंचना था वहां आप डेफिनेटली पहुंच गए हैं, ठीक है। ये चीजें आपने कंप्लीट कर ली है। तो एक होता है ना कि हमने एग्जाम दिया, फिर रिजल्ट आया, रिजल्ट में हमने टॉप किया, तो फिर हमें रिस्पेक्ट मिला, जो भी उस चीज से मिलना था, मान सम्मान मिला, या जो भी रिवॉर्ड था उस चीज का वो मिला। तो आप लोगों ने बहुत मेहनत की है पूरे साल, तो ये आखिरी 3 महीने कहीं ना कहीं फसल काटने का टाइम है, तो अपने रिवॉर्ड्स को एंजॉय कीजिए। सोलमेट यहाँ पे आप लोगों को एज अ रिवॉर्ड मिल रहा है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप, क्योंकि एनर्जी ही तो है गाइस। एनर्जी खराब हुई तो आप लोगों के झगड़े जबरदस्त हो जाते हैं, एनर्जी ठीक हुई तो एक दूसरे से प्यारा कोई नहीं लगता है। तो जो हस्बैंड वाइफ है वो इस चीज़ को, जो मेरी रीडिंग को देख रहे हैं, जो ऑलरेडी मैरिड है, वो समझते हैं इस चीज़ को कि हस्बैंड वाइफ में तो सुबह होता है कि एक दूसरे का खून कर दें, और शाम तक आते आते फिर होता है कि यार क्या है, चलो कोई बात नहीं छोड़ो, तो ये रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है जो इम्प्रूव ना हो सके इस लाइफ में, क्योंकि एवरीथिंग इज एनर्जी, एंड एनर्जी इज ऑलवेज इन फ्लक्स। एनर्जी को इस तरह से नहीं है कि वो किसी चीज में बंधी हुई है, वो तो फ्लक्स में रहेगी, ऐसे 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 घूमती रहेगी, इधर उधर अपनी शेप्स चेंज करती रहेगी, अलग अलग तरह से अलग अलग चीज़ों में मैनिफेस्ट होती रहेगी। यहाँ पे सेल्फ लव भी आप प्रैक्टिस करेंगे, आप अपनी केयर भी करेंगे, आप सेल्फ केयर करेंगे, आपने ना नींद पूरी की है बहुत दिनों से, ना बहुत अच्छे से ग्रूमिंग की है अपनी, ठीक है, ना आप घूमने फिरने कहीं गए हैं, आपने सिर्फ काम में अपने आप को झोंका हुआ है, तो थोड़ा सा आप रिजुवेनेट भी करेंगे, रेस्ट भी करेंगे, सेल्फ केयर भी करेंगे, खुद की बॉडी की भी केयर करेंगे, और खुद की मेंटल हेल्थ की भी केयर करेंगे। तो यहाँ पे सेल्फ लव भी आप लोगों के लिए है इन 3 महीनों में। और पेज ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, और अगेन फिर 9 ऑफ पेंटिकल्स है, तो पेंटिकल्स बढ़ते ही जा रहे हैं, और यहाँ पे तो व्हील ऑफ फॉर्चून ही आ गया है पूरा का पूरा। तो पेंटिकल्स बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि आपको आपकी मेहनत का फल मिलता जा रहा है। आपने इन बीते 8-9 महीनों में यही सीखा है पूरे 2024 में कि मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट भाई,
पैसे को जो आप उड़ाया करते थे ना अपनी अय्याशियों पे, ठीक है, जो पसंद आया ले लिया, जिस चीज पे दिलाया खरीद लिया, अपने लिए भी, दोस्तों के लिए भी, परिवार वालों के लिए, वो सबको समझ में आया कि नहीं भाई पैसा बहुत बड़ी चीज है, पैसे को टेकन केयर करके रखना चाहिए। तो पैसे को लेके आप पजेसिव भी हैं, अभी इनसिक्योर तो मैं नहीं बोलूंगी, पजेसिव हैं, और पैसे को लेके सिक्योर भी हैं, और पैसे को लेके ना इन्वेस्टमेंट आपको समझ में आ गया है, ठीक है, कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे पैसे को जल्दी जल्दी बढ़ाना है, किस तरीके से अपने फाइनेंसेस को ग्रो करना है, इन्वेस्ट कहाँ करना है, इन्वेस्टमेंट के अच्छे तरीके, और इन्वेस्ट आप कीजिए, इन्वेस्टमेंट ना आपको आपको बहुत फलेगी। क्यों? क्योंकि आप लोग इस तरह के इंसान है लियो सोल ड्राइव कि अगर आपके पास दो पैसे आएंगे ना, आपको खर्चे के आइडिया उससे पहले आने शुरू हो जाएंगे, तो आप इसको खर्च ही कर दीजिए, इन्वेस्टमेंट भी खर्चा ही है, पैसा आया इधर आया उधर सिप में कट गया, बात खत्म, वो खर्च ही हो गया, आपको ना दिखेगा ना आपको खर्च करने की वो अंदर से जो होती है कि खर्च कर दूं, उस तरह का आपको नहीं होगा। तो ये आपके लिए गाइडेंस भी है और आप इस चीज को प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। अगेन यहाँ पे है नाइन ऑफ पेंटिकल्स, तो बहुत बहुत पैसा जो होता है उस चीज को दिखाता है ये कार्ड नाइन ऑफ पेंटिकल्स, और बहुत हंसी खुशी वाला माहौल भी होगा आपके पास, आप अपनों के साथ भी इस पैसे को बांटेंगे, पैसे से मिलने वाली खुशियों को बांटेंगे। बेसिकली जरूरी नहीं है कि हमारे पास पैसा है तो हम पैसा ही बांटने लगे, तो पैसे से जो खुशियां खरीदी जा सकती हैं, जो एक अच्छा टाइम खरीदा जा सकता है, जो हॉलीडेज वैकेशंस खरीदी जा सकती हैं, फिजिकल कंफर्ट की जो चीज़ें खरीदी जा सकती हैं, तो हो सकता है इस दिवाली के आसपास आप बहुत सारी चीज़ें खरीदें, व्हीकल खरीदें, घर खरीदें, घर वालों के लिए गिफ्ट खरीदें, अपनों के लिए, ठीक है, उनके सपने पूरे करें और उनके सपनों में, उनकी खुशियों में अपनी खुशियां ढूंढें, क्योंकि आप तो बहुत ही खुश हैं यहाँ पे। तो एक अच्छा माहौल आपके घर में और बहुत प्यारा सा सारा कुछ, जिसे बोलते हैं कि एक वर्ड होता है उसके लिए ना, बड़ी शुभता का जो माहौल होता है, ऑस्पिशियस एनवायरनमेंट, और बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरिटी से भरपूर जो चीज़ें होती हैं, यानी कि आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे, ठीक है, आपकी एनर्जी भी अच्छी रहे, आपका काम भी अच्छा रहे, घर में भी आपके सुख शांति रहे, सो दिस इज रियल अबंडेंस, ठीक है। तो क्योंकि आपने वो सब करके देख लिया है, भागा भागी करके देख लिया है, पूरे साल मेहनत करके देख लिया है, आखिरकार इतनी मेहनत करने के बाद, पैसा कमाने के बाद, सक्सेसफुल होने के बाद, हमारा गोल क्या है? खुश रहना ना। तो आप खुश रहेंगे इन 3 महीनों में, जो आपने मेहनत करके पाया है उसको एंजॉय करेंगे बेसिकली। और यहाँ पे हाई प्रिस्टस का कार्ड है, बहुत बहुत सीखा है आप लोगों ने, बहुत बहुत सीखा है, लियो सोल ट्राइब को सीखने की ज़रूरत थी, ठीक है, ईगो और प्राइड के आगे बढ़ने की ज़रूरत थी, और ईगो के साथ जो आइडेंटिटी थी मुझे लग रहा है वो भी आप लोगों ने तोड़ी है। और इसमें कोई गलत बात नहीं है गाइस, ईगोइस्टिक होना कोई गलत बात नहीं है, ईगो इज़ वेरी इसेंशियल फॉर आर सर्वाइवल, जीने के लिए ना ईगो बहुत ज़रूरी है। ऐसे हम बोल तो देते हैं कि वो बड़ा ईगोइस्टिक है, जैसे कि ईगोइस्टिक होना कोई गाली है, ईगोइस्टिक होना कोई बहुत गंदी बात है, नहीं, ईगोइस्ट होना बहुत ज़रूरी बात है और ईगो होना बहुत ज़रूरी बात है। ईगो को आप ऐसे समझो जैसे बॉडी में आपकी बैकबोन होती है, जिसके बिना बॉडी खड़ी नहीं हो सकती, चल नहीं सकती, कोई मूवमेंट नहीं हो सकती, ठीक है, रीढ़ की हड्डी आपकी, दैट इज ईगो। लेकिन जो ईगोइस्ट वाली बात होती है, दैट इज अनहेल्दी ईगो। तो ईगो तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन अनहेल्दी ईगो आपको वैसे ही लाइफ में इतने ऑब्स्टेकल खड़ा कर देती है कि आपको वो चैन से जीने नहीं देती, आगे बढ़ने नहीं देती, सक्सेसफुल होने नहीं देती। तो उसको बोलते हैं कि अनहेल्दी वे में ईगोइस्टिक नहीं होना चाहिए, लेकिन हेल्दी वे में, लाइफ में जब तक आप हैं, आखिरी दिन जब तक आपका आता है इस लाइफ में, तब तक हेल्दी ईगो इज़ वेरी नेसेसरी, बहुत बहुत ज़रूरी है। और एक टर्म हम सुनते हैं नार्सिसिस्ट, सो नार्सिसिस्ट भी कई तरह के होते हैं, मेलिग्नेंट, ठीक है, मेलिग्नेंट नार्सिसिस्ट होते हैं, कोवर्ट होते हैं, और भी होते हैं कई तरह के। तो नार्सिसिस्ट, हेल्दी नार्सिसिज्म होना भी बहुत ज़रूरी है, और इन सब सब्जेक्ट पे भी ना मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगी, क्योंकि इन सब चीज़ों की अवेयरनेस होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल ना हर इंसान दूसरे इंसान को बोल रहा है कि तू नार्सिसिस्ट है। हल्का फुल्का नार्सिसिज्म होना अच्छी बात है, जैसे कि हेल्दी ईगो होना, हेल्दी नार्सिसिज्म होना बहुत ज़रूरी है, बट ये ग्रैंडियोज वाला जो नार्सिसिस्टिक बिहेवियर है, कोवर्ट नार्सिसिज्म है और मैलिग्नेंट नार्सिसिज्म है, ये गंदी फॉर्म है इस चीज़ की। तो ईगो के साथ जो आपकी अटैचमेंट थी, आइडेंटिटी थी जो आपने ईगो के साथ बनाई हुई थी, वो टूटी है, ईगो नहीं टूटा है, ईगो इज़ वेरी नेसेसरी, और आपका विजन स्ट्रॉन्ग हुआ है और आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ी है, आप पहले से ज़्यादा समझदार हुए हैं, एक ठहराव आया है आपके अंदर, ठीक है, वो भागा भागापन, उतावलापन आप लोगों का, इम्पल्सिव बिहेवियर, उस चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आई है,
और इन चीजों से ना आपकी सुख शांति वैसे भी बढ़ गई होगी। अपने आप में ठहर जाना, अपने में ठहराव लेके आना तो बहुत बड़ी चीजें हैं। और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, इस कार्ड को मैं कई तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगी। एक कार्मिक साइकिल, डेफिनेटली एक टफ वाला, एक लंबे वाला कार्मिक साइकिल आप लोगों ने कंप्लीट किया है, क्योंकि 10 नंबर कार्ड है कि एक कोई कार्मिक साइकिल था जो कि जीरो हो गया है, जो कि खत्म हो गया है, उसके रिकॉर्ड्स डिलीट कर दिए गए हैं, वहाँ पे जितनी डीलिंग्स थी वो क्लोज कर दी गई हैं। और जो क्लोजिंग ऑडिट वगैरह जानते हैं वो समझते हैं कि मैं किस तरह से बात कर रही हूँ। और एक नया कार्मिक साइकिल, एक नया बही खाता आप लोगों के लिए खोला जा रहा है, और मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज लेके एक नए कार्मिक साइकिल में एंटर कर रहे हैं। और यहाँ पे ये भी है कि आपको ना बहुत फ्रीडम फील हो रही है, क्योंकि जो भार था ना, ईगो का भार, ठीक है, कंप्लेंट्स का भार और ढेर सारी हर्ट का, बिट्रेयल का जो भार है वो आप पीछे छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो गया है। हो सकता है ढेर सारे ट्रांजिट्स हो रहे हों आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स में जो कि पॉजिटिव हों, ठीक है, बहुत सारे नेगेटिव ट्रांजिट्स में से आप गुजर के आए हों और आपने अच्छे से अपने आप को प्रूव किया है और आपने अच्छे से अपने आप को, अपने कॉन्फिडेंस को इनक्रीज किया है। तो यहाँ पे बेटरमेंट ऑफ योर हेल्थ एंड यहाँ पे बेटरमेंट ऑफ योर फाइनेंसेस, आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे ग्रो होंगे, क्योंकि यहाँ पे दिखाए तो ये सिक्के ही हैं बेसिकली, बट सिक्के का मतलब सिक्का ही नहीं होता है, ये आपकी सुख शांति, ठीक है, ये आपका हेल्थ, ये आपका परिवार, ये आपके घर का माहौल, ये आपके काम का माहौल, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाने वाला और पुराने में से आपको मुक्ति ही मिल जाएगी, एक नए ही तरह के आप इंसान बनेंगे, एक नई बहुत ही प्यारी सी पॉजिटिव लाइफ को आप इंजॉय करेंगे। और यहाँ पे है, अभी मैं कुछ गाइडेंसेस लेने वाली हूँ ओशो टैरोजैक से, तो मोमेंट टू मोमेंट है, तो लाइफ ना फ्लक्स है, जैसे मैंने बोला लाइफ भी फ्लक्स है, एनर्जी भी फ्लक्स है, तो इसमें हम सोचते तो हैं कि 2 साल बाद ये करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, पर मुझे गाइज बताओ, आपने जितनी भी प्लानिंग की है क्या वो एज इट इज़ हुई है? मोस्टली तो उल्टा ही हुआ है, जो हमने सोचा है उसका उल्टा हुआ है, या थोड़ा बहुत उस तरीके से हुआ होगा, 80-90% अलग तरह से ही हुआ है। मतलब हम जितना मर्जी दिमाग लगाएं, जितना मर्जी टाइम और एनर्जी लगाएं, जितना मर्जी स्ट्रेस में आ जाएं प्लानिंग करते करते, बट वो होती चीज़ें अपने हिसाब से हैं। मेरी लाइफ में तो मैंने यही नोटिस किया है कि जितना मर्जी मैं प्लान कर लूँ, उसमें से 10-15% मेरे हिसाब से होगा, 80-90% वो भगवान के हिसाब से ही होता है। तो धीरे धीरे मैंने उस पर छोड़ना सीख लिया कि ठीक है, फिर मैं इतनी चिंता क्यों करूं, जैसे तुम्हें करना है तुम कर लेना, बता देना। तो यहां पे मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड है कि जैसा दिख रहा है, जैसा समझ में आ रहा है, जैसा चल रहा है, जब वो है ऊपर, जब हमारे सिर पे उसका हाथ है, तो हमें इतनी चिंता करने की क्या जरूरत है, तो जैसा जब आएगा तब उसको वैसा कर लेंगे। बहुत ज्यादा प्लानिंग में और प्लॉटिंग में पड़ने की जरूरत क्या है? यहाँ पे आउटसाइडर है, यस, ये एनर्जी बिल्कुल सही पकड़ी है कार्ड ने आपकी, आपको ना आउटसाइडर लग रहा है, पिछले 1 साल से आपको बिल्कुल अकेला अकेला, बिल्कुल कटा छटा लग रहा है कि आई डोंट बिलोंग, मैं यहाँ से बिलोंग ही नहीं करता, आपको एलियन फील हो रहा है और आपको इम्पोस्टर सिंड्रोम हुआ हुआ है बेसिकली। तो इम्पोस्टर सिंड्रोम यही होता है जो आप प्रूविंग में आए हुए हो, ठीक है, कि मैं प्रूव कर दूं शायद मैं उतना कैपेबल नहीं हूं, तो इसमें आप ना खुद को परेशान कर रहे हो, आपने अपने आप को अलग किया हुआ है, लाइफ को आप उलग उधर देख रहे हो, आपको लग रहा है सब उधर इंजॉय कर रहे हैं, आप यहाँ अलग हो, नहीं, ये देखो ये ताला खुला हुआ है, आप इसको हटाओ, जंजीरें खोलो, दरवाजा खोलो, उधर जाओ, बस इतना सा ही है। डोंट फील आउटसाइडर, यू आर नॉट आउटसाइडर, कोई आउटसाइडर नहीं है आप, ठीक है। और यहाँ पे है मैच्योरिटी का कार्ड, डेफिनेटली इस कार्ड से भी मुझे यही पता चला है कि मैच्योर हुआ है सोल ट्राइब, बहुत बहुत चीज़ें सीखी हैं। जब एक इंसान चुप रहता है ना, जब एक इंसान बोलता नहीं है, जब एक इंसान खुद अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तपता है, घुटता है, घुटे हैं आप, पिछले 8-10 महीने सोल ट्राइब पूरा घुट घुट के जिया है, घुटे हैं आप, ठीक है, और प्रूविंग वाली एनर्जी तो होती ही बहुत खतरनाक है, तो मैच्योर हुए हैं आप, तपके ही, जो कहते हैं ना सोना जो है तपके ही कुंदन बनता है, ठीक है, तो मैच्योर हुए हैं आप, मैच्योरिटी आई है आपके अंदर और मैच्योरिटी आपके फाइनेंसेस में भी आई है, मैच्योरिटी। और ये देखो यहाँ पे ना, ध्यान से देखो, ये ना एक स्नेक की फॉर्म में इसको दिखाया हुआ है, जो स्नेक है अपनी ही पूंछ को खा रहा है, यानी कि खुद को ही खा रहा है, खा रहा है तो खत्म कर देगा। तो यहाँ पे भी अगेन एक कार्मिक साइकिल, ठीक है, अगेन एक कार्मिक साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, एक नया कार्मिक साइकिल यहाँ पे शुरू हो रहा है, तो रेस्ट, रिक्रिएशन, रिजुविनेशन, फाइनेंसेस की इम्प्रूवमेंट, लव लाइफ की इम्प्रूवमेंट और जितनी भी चीज़ें हो सकती है न्यू बिगनिंग्स उन चीज़ों में, क्योंकि जब आप मैच्योर हो जाएंगे, एक नए ही इंसान बन जाएंगे, तो डेफिनेटली आप नए लोगों को, मैच्योर लोगों को, मैच्योर एनर्जीज को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। ट्रस्ट का कार्ड, ट्रस्ट द प्रोसेस,
इस प्रोसेस को आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, लोगों को ट्रस्ट करना पड़ेगा। आई नो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज आए हुए हैं, पर मुझे बताओ, जिस इंसान ने आपको छोड़ा था, आपकी बेइज्जती की थी, आपके ईगो को हर्ट किया था, वो एक ही था ना, तो उसकी सज़ा फिर सबको क्यों दे रहे हो? सबके साथ ट्रस्ट इश्यूज में क्यों आए हुए हो? ठीक है, उसके साथ दूर हो जाओ, उससे फिजिकल डिफरेंसेस बना लो, फिजिकल डिस्टेंस कर लो, मेंटली इमोशनली डिटैच हो जाओ उससे, बट उसकी सज़ा खुद को और दूसरों को क्यों दे रहे हो? तो यहाँ पर ट्रस्ट करना सीखना होगा, अगेन से आपको ट्रस्ट ही करना सीखना होगा गाइस। कार्ड्स वही बताते हैं जो उनको बताना है हर एक सोल ट्राइब के लिए। लुक एट द बिगर पिक्चर, बिगर पिक्चर को देखो ना। बिगर पिक्चर क्या है? ये इस इंसान ने जिसने आपको हर्ट किया था, बिट्रे किया था, फ्रॉड किया था आपके साथ, छोड़ के भाग गया था या भाग गई थी, अगर वो ये ना करता तो आप क्या ये सब कुछ अचीव कर पाते? उसने चैलेंज ना किया होता तो क्या आप प्रूव कर पाते? तो ये दिस इज द बिगर पिक्चर, ये देखना है। हालांकि उसका ऐसा कोई मोटिव नहीं था कि आप सक्सेसफुल हो जाओ, उसका ऐसा कोई मोटिव नहीं था कि आप लाइफ में कुछ करो, उसके मोटिव गलत थे, गंदे थे, लेकिन फिर भी आपके लिए तो कुछ अच्छा ही कर गया ना वो। तो इस तरह से बिगर पिक्चर को हम देखते हैं, और जब एक लेवल की मैच्योरिटी आती है ना, बिगर पिक्चर हम तभी देख पाते हैं, उससे पहले नहीं देख पाते हैं। होल्ड योर विजन, जो भी आपके विजन है, जो भी सपने हैं, जो भी आप करना चाहते हैं लाइफ में, अचीव करना चाहते हैं, उनको मन में रखिए, उनको छोड़ना नहीं है, उनको पकड़ के रखना है, उनको रोज विजुअलाइज करना है, उनको रोज लिखना है। ठीक है, उन विजुअलाइजेशन की बहुत सारी टेक्निक होती है, टाइम टाइम पे मैं आपको बीच बीच में बताती भी रहती हूँ। और टाइम टू गिव रादर देन टेक, तो मैंने बोला है ना, जब आपके फाइनेंसेस इंप्रूव हो रहे हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, जब आपने काफ़ी कुछ बना लिया है, कर लिया है, तो आप अपनों के साथ उस चीज़ को शेयर करेंगे। इस कार्ड को मैंने बोला था ना कि उनसे कुछ ऐसी खुशियां खरीदेंगे जिनसे आपके अपने खुश हों, तो अभी ये इस तरह का ही चल रहा है आपकी एनर्जी में कि आप ना गिविंग वाले मोड में हैं। इमोशंस आर रनिंग हाई, आपके इमोशन बहुत हाईली रन कर रहे हैं, और ये ओवरथिंकिंग कराते हैं, और ये आपकी हेल्थ ख़राब कराते हैं, ये एंग्जाइटी के अटैक लेके आते हैं, पैनिक अटैक करा देते हैं, और डिप्रेशन की फॉर्म में आपको हमेशा के लिए बांध के रख लेते हैं। तो इनको रिलीज करें गाइस। रिलीजिंग के लिए मैंने आपको हर एक वीडियो में बहुत बहुत टेक्निक्स बताई हुई हैं पुरानी वीडियोज में, तो आप जाके देख सकते हैं। रिलीज करें अपने इमोशंस को। एंजल्स से हम देख लेते हैं, एंजल्स भी हमें यही कह रहे हैं कि चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब वो है मेरा भगवान, जब ऊपर है ईश्वर, तो फिर मुझे 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 क्या मतलब चिंता करने की ज़रूरत है, वो कर लेगा ना सब कुछ। फॉरगिवनेस, आपको माफ़ करने की ज़रूरत है गाइज, उस इंसान को भी जिसको आप इतने सालों से, इतने दिनों से, इतने महीनों से माफ़ नहीं कर पा रहे, उसको भी, अगर उसको ना कर पाए तो कम से कम खुद को माफ़ करने से शुरुआत करें। बट फॉरगिवनेस आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और परफेक्ट टाइमिंग है बहुत सारी चीज़ों के लिए। जिस चीज़ को आपने मन में रख के इस रीडिंग को देखा है, आप शादी करना चाहते हैं, डेफिनेटली परफेक्ट टाइम है। आप कुछ भी बड़ा डिसीजन अपनी लाइफ में लेना चाहते हैं, लव लाइफ के रिगार्डिंग, इमोशंस के रिगार्डिंग, फाइनेंसिस के रिगार्डिंग, सो दिस इज द परफेक्ट टाइम, आप ले सकते हैं। ठीक है, टाइम विल सपोर्ट यू, एंड नॉट द राइट टाइम है कुछ चीज़ों के लिए। अब वो कौन सी चीज़ें हैं? अब यहाँ पे दोनों चीज़ें आ गई है। ठीक है, परफेक्ट टाइम भी आ गया है एंड नॉट द राइट टाइम भी आ गया है। तो अब मुझे देखना पड़ेगा कि परफेक्ट टाइम तो मैंने बोल दिया है, सो नॉट द राइट टाइम किस चीज़ को लेके है। ओके, आ गया है, गाइड कर दिया है हमें। सो नॉट द राइट टाइम है, अभी आपके मन में है कि जस्टिस, ठीक है, तो उनको सजा मिले, ठीक है, जिन्होंने बुरा किया है। और मुझे लग रहा है वो एक ही है, ज़्यादा नहीं है, वो कोई एक ही इंसान है जिसने आपको बहुत बहुत ज़्यादा हर्ट किया हुआ है, तो आप चाहते हैं जस्टिस, तो नॉट द राइट टाइम है, अभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो यूनिवर्स है ना, फ्री विल से चलता है, हो सकता है कभी हो सकता है अगले जन्म में हो, जरूरी नहीं है। तो इसीलिए आपको बोला है कि आप इतनी चिंता ना करें, ठीक है, हो सकता है ये जस्टिस अगले जन्म में हो, तो क्या आप पूरी लाइफ अपनी ख़राब करने वाले हैं? तो अभी तो नहीं है, ये नॉट द राइट टाइम है जस्टिस के लिए, अभी नहीं हो पाएगा, अभी उनको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, जब मिलेगी तब देखेंगे। आप अपना ध्यान रखिए, अपनी एनर्जी ठीक कीजिए, अपनी जो चीज़ें आप लोगों ने सिक्योर की हैं लाइफ में, उनको इन्जॉय कीजिए, और पॉजिटिविटी पे ध्यान दें, और फॉरगिवनेस की एनर्जी में जाएं प्लीज़, क्योंकि ये आया है आपके लिए। आपको बहुत बहुत ज़्यादा वेट है कि ये कब होगा, एक मन में हो जाता है ना कि इसने बुरा किया है, इसके साथ बुरा कब होगा, तो प्लीज़ इस तरह की एनर्जीज में मत रहिए। और लियो सोल ट्राइब, ये थी आप लोगों की रीडिंग अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लिए। तो कैसी लगी कहानी, मिलती जुलती लगी, कहाँ कहाँ आपने रेजोनेट किया,
कैसा आपको लगता है मेरी रीडिंग्स देख के? आप कुछ सब्जेक्ट अगर और चाहते हैं मैं टच करूं रीडिंग्स में तो मुझे सजेशन दे सकते हैं। लाइक कीजिएगा रीडिंग को, लाइक माइंडेड सोल ट्राइब के साथ शेयर भी कीजिएगा, और मुझे बहुत प्यार, मुझे बहुत सपोर्ट देने के लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। और गाइस एक और चीज़, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो बहुत ज़रूर से कर लीजिएगा, और अपना प्यार और सपोर्ट यूँ ही बनाए रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।